वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो, अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। गली न्यूज में आपका स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब के बारे में क्या कहा? ओवैसी की औरंगजेब की मजार पर हाजिरी के बारे में क्या कहा? आइए आगे वीडियो में देखते हैं। महाराष्ट्र फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब के मजार पर हाजिरी लगाने पर महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ निशाना साधा है और औरंगजेब के बारे में कहा है कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। आपको बता दें कि शिवसेना की 14 मई को बीकेसी में हुई जाहिर सभा के बाद बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी 15 मई को उत्तर भारतीयों के साथ सभा में देवेंद्र फडणवीस आक्रामक रूप में दिखाई दिए। सीएम उद्धव ठाकरे की कही गई लगभग सभी बातों का जवाब भी दिया। क्या क्या कहा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने, आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। जिस छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो। लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो, अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। इस बार मुंबई में होने वाले बीएमसी इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से जोर लगा रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में